हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज़ प्रिया. आई होप ऑल यू गुड एंड फाइन. सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएड सेकंड ईयर से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वन बाय वन. तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम फेब के सेकंड वीक से स्टार्ट करने लगेंगे बीएड की जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको रीड आउट करेंगे. ठीक है, मतलब जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के, उनके लिए वीडियोज़ हैं ये. और मैंने आपको पहली जो वीडियो बनाई थी, प्रीवियस वीडियो, उसमें हमने बुक्स डिस्कस की थी कि फर्स्ट ईयर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स लगेंगे और सेकंड ईयर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स लगेंगे और आपकी कितनी बुक्स होंगी. ठीक है, तो वो वीडियो मैंने डाल दी थी. तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है प्लीज़ चैनल पर जाइए, उसको चेकआउट कीजिए. तो आज हम बीएड सेकेंड ईयर की जो फर्स्ट आपका सब्जेक्ट है दैट इज़ नॉलेज एंड करिकुलम, उसकी यूनिट फर्स्ट को डिस्कस करेंगे कुछ टॉपिक. कल तक यूनिट फर्स्ट आपकी कंप्लीट हो जाएगी. आफ्टर दैट हम सेकेंड थर्ड फोर्थ उन सबको डिस्कस करेंगे. और यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद हम उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे साथ बाय साथ. ठीक है, ताकि जो भी हमारी जो प्रिपरेशन है वो भी साथ साथ होती रहे. ठीक है, अब उसके बाद हम फिर फर्स्ट ईयर को भी लेके चलेंगे, पहले हम सेकेंड ईयर को कंप्लीट कर लेंगे. तो आज हम नॉलेज एंड करिकुलम की जो फर्स्ट यूनिट है उसमें दो तीन टॉपिक्स हैं आपके. आज हम कुछ थोड़े से टॉपिक्स को लेके चलेंगे. ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा आपका मीनिंग काइंड्स एंड सोर्सेज ऑफ नॉलेज से रिलेटेड रहेगा. ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा नेट स्लो है आज मेरा. सी, तो आज हम नॉलेज एंड करिकुलम बीएड सेकंड ईयर जो है, जो न्यू स्टूडेंट्स अब आए हैं 2022 में, जिनके एडमिशन्स होंगे अब, ठीक है, जिनके हो चुके हैं, उनके लिए वीडियोस बनाई हैं मैंने. तो पहला यूनिट फर्स्ट हम लेके चलेंगे. तो यूनिट फर्स्ट में आपका कुछ ज़्यादा सिलेबस नहीं है. जब आप बुक्स खोलेंगे, अभी तक जिन्होंने बुक्स ले ली होंगी, जब भी आप बुक्स लेंगे तो फर्स्ट में आपका नॉलेज से रिलेटेड कंसेप्ट्स है सारे, कि नॉलेज का मीनिंग क्या होता है, कितने टाइप्स की होती हैं, सोर्सेज क्या होते हैं, फिर कुछ डिफरेंसेस हैं और कुछ डिफरेंट वेज ऑफ नोइंग है. ये तीन टॉपिक हैं, इसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे. उसके बाद आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी. ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि जो टॉपिक्स है अगर आप स्टार्टिंग से ही पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो आपको जब लास्ट में एग्ज़ाम्स होंगे कोई दिक्कत नहीं होगी. क्योंकि मुझे पता है बीएड जो है स्टूडेंट्स मोस्टली ओपन से करते हैं या फिर किसी जॉब के साथ करते हैं, तो इतना वो टाइम नहीं दे पाते बुक्स को. तो अगर आप वीडियोस भी अच्छे से देख लेंगे ना तो आपका जो है टॉपिक सारे क्लियर हो जाएंगे. तो आज हम सिर्फ तीन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है मीनिंग काइंड्स एंड सोर्सेज ऑफ नॉलेज. बहुत ईजी चैप्टर हैं, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, लैंग्वेज भी ईजी है. अगर आप खुद से एक बार रीड आउट भी करेंगे तब भी आपको ईजिली समझ आ जाएगा. फिर भी वीडियो को एंड तक देखिएगा, जो भी डाउट्स होंगे हम उसको एंड में ले लेंगे, या आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, उसको भी हम डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करें, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सी, फर्स्ट है कि नॉलेज क्या होता है. आप सबको पता है इन जनरल सेंस हम बोलते हैं वी हैव सम नॉलेज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. तो व्हाट डू यू मीन बाय नॉलेज. नॉलेज क्या है कि आपको किसी चीज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता होती है. जैसे कि एक प्रोडक्ट हो गया, आपको पता है कि ये प्रोडक्ट जो है इसकी जो यूसेज है वो ऐसा है, इसको हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, या फिर एक वेजिटेबल है हम इसको ऐसे बना सकते हैं. तो मतलब आपको उसकी नॉलेज है कि आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो. ठीक है, तो क्या है नॉलेज, इज मीन समथिंग, नोइंग समथिंग अबाउट इन्फॉर्मेशन. ठीक है, ऑफ अबाउट समथिंग, किसी के बारे में आपको पता होना. इन्फॉर्मेशन आपको होती है अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स दैट यू हैव गेन्ड थ्रू लर्निंग एंड एक्सपीरियंस. मतलब जो आप अपने लर्निंग से और जो एक्सपीरियंस आप गेन करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, सॉरी, उसको नॉलेज कहते हैं. ठीक है ना, आप सोशली कितना इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, उससे आपको नॉलेज मिलता है. कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं आपको, उससे आपको कुछ नॉलेज गेन होती है. तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉलेज. इन सिंपल सेंस वी कैन से दैट. ठीक है, आप इसको अपने खुद की लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट जैसे मैंने लिखा है द स्टेट ऑफ नोइंग अबाउट अ पर्टिकुलर फैक्ट और सिचुएशन. कि कोई भी एक फैक्ट के बारे में आपको पता होना, एक सिचुएशन के बारे में आपको पता होना, मतलब वो नॉलेज है आपके पास इस चीज़ की. जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में पता है, मतलब आप उस प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज है उस प्रोडक्ट की. ठीक है, इसको बोलते हैं हम नॉलेज. थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी होती है एक सब्जेक्ट की. अब आप जब नॉलेज एंड करिकुलम का चैप्टर पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, तो आपको फिर एक नॉलेज मिलेगी, आपको इन्फॉर्मेशन्स मिलेंगी, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि क्या मीनिंग है इस चैप्टर का, इस टॉपिक का. उसको भी हम क्या बोलते हैं, नॉलेज बोलते हैं. क्लियर, आगे चले. ओके, कुछ डेफिनेशंस हैं. मे बी आपके एग्ज़ाम जो हैं अब से ऑफलाइन होना स्टार्ट हो जाए, तो डेफिनेशंस भी आप लिख सकते हैं.
क्योंकि 16 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके आते हैं मोस्टली, तो उसमें आप पहले क्या करेंगे, डेफिनेशंस लिखेंगे, मीनिंग लिखेंगे, आफ्टर दैट जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो लिखते हैं। तो कोई भी दो ऑथर्स की जिसकी आपको इजी लगती है आप उसकी जो डेफिनेशंस है लर्न कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने प्लेटो की लिखी है, उन्होंने कहा था प्लेटो हैज एग्जामिन, उन्होंने एग्जामिन किया 3 डेफिनेशन ऑफ नॉलेज। उन्होंने कहा कि नॉलेज की जो डेफिनेशन है वो 3 तरह से हो सकती है। पहला है नॉलेज एक परसेप्शन है, एक आपका खुद का इंट्यूशन या परसेप्शन आप क्रिएट कर लेते हो, एक सेंसेशन हो जाती है आपको कि हाँ इसका मीनिंग ये हो सकता है या फिर इस पर्टिकुलर सिचुएशंस में ऐसा हम कर सकते हैं, आप एक परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं अपने माइंड में, ठीक है। नॉलेज एक ट्रू बिलीफ है। सेकेंड में वो कहते हैं कि नॉलेज हमारी एक ट्रू बिलीफ है कि हम उसको मानते हैं। जैसे होता है ना कि एक पर्टिकुलर एक आपका ट्रेडिशन चला आ रहा है, एक बिलीफ आप मानते हैं, आपका एक रिलीजन है, एक बिलीफ से एक फेथ है, तो नॉलेज को हम एक ट्रू बिलीफ भी कह सकते हैं। थर्ड कहता है कि नॉलेज इज ट्रू बिलीफ अकम्पनीड बाय अ रैशनल ग्राउंड। जो भी नॉलेज है, जो ट्रू बिलीफ है, वो एक रैशनल ग्राउंड से अकम्पनीड होती है। रैशनल मतलब कि जहाँ पे सबको किसी ना किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन होती हैं, तो उसको बोलते हैं नॉलेज। ये अकॉर्डिंग टू प्लेटो है। आप किसी भी ऑथर की और जिसकी आपको ईजी लगती है, बुक्स में भी और गिवन है, आप उसको भी लेकर चल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डीवे ने दी थी। डीवे ने कहा था नॉलेज डिनोट्स करती है इन्फेरेंस फ्रॉम ट्रुथ, जो सच्चाई से आती है उसको हम नॉलेज कहते हैं। और डीवे ने ये भी कहा था कि नॉलेज आपकी डायनेमिक नेचर की होती है, जो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। नॉलेज कभी भी आपकी स्टैटिक नहीं रहती, इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो दीज आर टू डेफिनेशन दैट इज गिवन बाय सम ऑथर्स, सो यू कैन चूज एनी टू ऑथर्स ऑफ योर लाइफ, ठीक है। जो भी आपको पसंद हो आप उसके ऑथर्स को लिख सकते हैं। डेफिनेशन के बाद हम मूव करेंगे नेचर क्या होता है नॉलेज का, मतलब फीचर्स हो गए, करेक्टरिस्टिक्स हो गई, ठीक है। तो नॉलेज क्या है, अभी हमने डिस्कस किया कि एक किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन आपको पता है तो इट मीन्स यू हैव सम नॉलेज। तो फर्स्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नेचर ऑफ नॉलेज होता है। नॉलेज आपकी एब्स्ट्रैक्ट भी होती है, मतलब डीप थिंकिंग जिसे कहते हैं, रीजनिंग वगैरह जिसे कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है एक डीप में जाना, उसको बोलते हैं नॉलेज। सोशल नेचर होता है, क्योंकि आपको नॉलेज क्या है, सोशली भी आप इनकर करते हैं, गैदर करते हैं, किसी से आप मिल रहे हैं या अपने फ्रेंड से आप मिलने गए, उसने आपको कुछ बताया किसी भी चीज़ के बारे में, तो वो क्या है आपकी नॉलेज है, और वो आपको सोशली मिली है गैदर, मतलब एक इंट्रैक्शन से। थर्ड है नॉलेज इज क्यूमुलेटिव बिकॉज इट इज़ सोशली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर और फ्यूचर जनरेशन। अब आपको कोई नॉलेज पता है, क्यूमुलेटिव इन द सेंस की एड ऑन होती रहती है, ठीक है ना। एड ऑन किस लिए होती है, क्योंकि आज आपको कोई नॉलेज पता है, आप उसको फर्दर किसी और को बताएंगे, वो किसी और को बताएगा, तो ये जनरेशन टू जनरेशन क्या होती है, ट्रांसमिट होती रहती है, इसलिए नॉलेज क्या है आपकी क्यूमुलेटिव है। नेक्स्ट क्या है, इट मीन्स टू रीच द ट्रूथ। नॉलेज हम किस लिए गेन करते हैं, कि हमें किसी सच्चाई के तरफ जाना है, या हमें किसी भी एक सिचुएशन हमें पता है उसका आंसर क्या हो सकता है, एक प्रॉब्लम का आंसर क्या बन सकता है, उसे हम नॉलेज बोलते हैं। तो नॉलेज हम इसलिए गेन करते हैं क्योंकि हमें किसी एक ट्रुथ के अकॉर्डिंग या ट्रुथ के पास हमें रीच करना होता है, ठीक है। फिफ्थ कह रहा है नॉलेज मीट्स आवर डेली रिक्वायरमेंट्स। अब नॉलेज आपके डेली रिक्वायरमेंट्स को कैसे मीट करती है, आप एग्जाम्पल से समझते हैं। डेली रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, आपकी फूड शेल्टर वगैरह समथिंग, ठीक है। अब आपको नॉलेज ही नहीं होगा कि क्या मुझे वेजिटेबल लानी है, या फिर आप कोई वेजिटेबल ले आए, आपको ये नहीं पता कि आपको उसको कैसे बनाना है, कैसे कुक करना है, कौन से क्लोथ्स आपको लेने हैं, या कोई हाउस की रिक्वायरमेंट्स है आपको नहीं पता, तो उसको क्या है नॉलेज होना चाहिए आपको हर एक चीज़ का, तभी इसलिए क्या कहते हैं नॉलेज हमारी डेली रिक्वायरमेंट्स को भी मीट करने में हमारी हेल्प करती है, ठीक है। सिक्स पॉइंट कह रहा है वी कैन शेयर आर आइडियाज़ थाट्स फीलिंग्स थ्रू नॉलेज। अब देखो, अब आपको कुछ किसी भी चीज़ की नॉलेज है या कोई इन्फॉर्मेशन है, आप किसी को देना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो वो भी हम नॉलेज के थ्रू कर सकते हैं। आपके कोई थाट है या आपकी कोई फीलिंग्स हैं, तो उसे हम कैसे शेयर करेंगे, कोई आइडिया आपको आया कि हाँ चलो ये करते हैं या फिर ऐसा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो वो सब नॉलेज से होता है। नॉलेज बाउंडलेस होती है, मतलब कोई एक लिमिट नहीं है कि आपने ये चीज़ सीख ली तो उसके आगे कुछ नहीं हो सकता। होता है ना, जैसे एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपने सीख लिया, इट डजेंट मीन कि वही सोल्यूशन सेम रहेगा, उसके आगे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, तो न्यू सोल्यूशंस निकलते रहते हैं हर एक प्रॉब्लम्स के। तो नॉलेज क्या है आपकी, बाउंडलेस है, कभी भी वो उसको आप लिमिट नहीं कर सकते, ठीक है। लास्ट है आपका नॉलेज इज़ लाइक वेल्थ। जैसे कि आपकी एक इनकम होती है, एक वेल्थ होती है, जितना आप गेन करेंगे उतना ही आपको
और सीखने की भूख रहती है, जैसे होता है ना जितना आपके पास पैसा है, किसी के पास बहुत पैसा है, लालच उसकी बढ़ती ही रहती है, लालच कहते हैं ना कभी ख़त्म नहीं होती, ऐसी नॉलेज आपको जितनी भी आपको नॉलेज है जितना आप गेन करेंगे उतना आपकी क्रिएटिविटी या क्रेविंग और बढ़ती रहेगी कि हाँ इसका मीनिंग ये है, इसका सोल्यूशन ये हो सकता है, चलो और ढूंढते हैं। ठीक है ना, ऐसा होता है ना, एक मैथ्स का आप एक क्वेश्चन करते हो तो उसका सोल्यूशन करते हो, फिर सोचते हो नहीं इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो जितना आप नॉलेज को गेन करना स्टार्ट करेंगे उतना आपको और सीखने की क्षमता बढ़ती है, तो ये क्या है नॉलेज। तो कुछ नेचर्स थे, नेक्स्ट आपका है इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉलेज। तो नॉलेज के कुछ इम्पॉर्टेंस भी हैं, किस तरह से इम्पॉर्टेंट है नॉलेज आपकी लाइफ में, उसको डिस्कस करते हैं। सी फर्स्ट पॉइंट है, नॉलेज एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, हम सबको पता है हमें किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी काम करना है लाइफ में तो हमें हर चीज़ का इंफॉर्मेशन होना चाहिए, तो नॉलेज एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको किसी चीज़ का नॉलेज ही नहीं है कि ये चीज़ कैसे करनी है, ये चीज़ कहाँ रखनी है, वो प्रोडक्ट कैसा है, वो इंसान कैसा है, तो हर चीज़ के लिए आपको नॉलेज की नीड पड़ती है। सेकेंड है कि नॉलेज हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू एनहेंस देयर थिंकिंग स्किल्स। जब आपको किसी भी चीज़ की नॉलेज होगी, नॉलेज से स्टूडेंट्स की जो थिंकिंग स्किल है, जो सोचने की क्षमता है, वो भी इंक्रीज होती है, एनहेंस होती है, क्योंकि अगर उनको किसी भी चीज़ का अगर एक सिरा पता है, एक पॉइंट पता है, तो उसको दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए सोचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वी हैव वेन वी हैव अ प्रायर नॉलेज अबाउट अ टॉपिक वी कैन अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। इट मीन्स कि अगर टीचर आपको कोई टॉपिक पढ़ाना चाह रही है, जैसे आज वो क्लास में आई एंड शी सेड कि आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, और आपको उसके बारे में पहले से थोड़ा बहुत पता है, तो टॉपिक समझने में आपको आसानी हो जाती है या आप उसको अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, तो नॉलेज का इम्पॉर्टेंस इस चीज में भी है। ठीक है, नेक्स्ट है इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल सॉरी इन स्टूडेंट्स लाइफ स्पेशली इन द स्कूल। एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्टूडेंट्स के लिए स्कूल लाइफ में। ठीक है, इफ़ दे डोंट हैव रिलेटेड नॉलेज दे फेस डिफिकल्टीज इन अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। अगर आपको कोई रिलेटेड नॉलेज नहीं पता है या फिर आपको किसी भी बारे में नहीं पता, तो फिर आप डिफ़िकल्टी फेस करते हैं उस टेक्स्ट को समझने के लिए। तो नॉलेज आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल लाइफ से रिलेटेड भी, बेसिक लाइफ से रिलेटेड भी, डेली लाइफ से रिलेटेड भी। वी बिकम स्मार्टर विद द पावर ऑफ नॉलेज एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स मोर ईजिली। ठीक है, अगर आपको आप स्मार्टर बन जाते हैं जब आपके पास नॉलेज होती है, तो आप हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना स्टार्ट कर देते हैं या इजीली आप उसको क्रैक कर पाते हैं। तो ये कहें सारी इंपॉर्टेंस है नॉलेज की। तो आप अपनी तरफ से भी कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं अगर आपको अच्छे से मीनिंग पता है नॉलेज का। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज, हमने डिस्कस कर लिया मीनिंग ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट हम करेंगे आज काइंड्स एंड सोर्सेज, दो टॉपिक हमारे बच गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम कल फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट या मोस्टली परसों तक कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक आपका काइंड्स है, जिसे आप टाइप्स भी कह सकते हो कि कितने तरह के आपकी नॉलेज होती है। बुक्स में और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, तो मैंने कुछ अपनी तरफ से भी लिखे हैं, मतलब सर्च आउट करके। तो पहला आपका प्रायर नॉलेज होता है। प्रायर नो मतलब पहले से जो आपको किसी भी चीज़ की नॉलेज होती है उसको प्रायर नॉलेज बोलते हैं। इट सिंपल सेंस यू कैन से ये किसी भी एक्सपीरियंस से नहीं आती, इंडिपेंडेंट होती है एक्सपीरियंस से, ये आपको थ्योरेटिकल रीजनिंग से आती है रादर देन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। जैसे कि आपने कुछ पढ़ा था पहले, ठीक है, होता ना कि हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ है या मैंने आपको कहीं देखा हुआ है, ऐसे बोलता है ना कोई, तो उसने वो पढ़ा हुआ था, उसने एक्सपीरियंस नहीं किया है पर्सनल या उसने ऑब्जर्व नहीं किया उस चीज़ को। तो दिस टाइप ऑफ नॉलेज कम्स फ्रॉम थियोरेटिकल रीजनिंग से आती है, मतलब कि आपको पहले से ही कुछ अंदाज़ा होता है या कुछ पता होता है, तो उसे बोलते हैं हम प्रायर नॉलेज। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम कि अगर आप किसी चाइल्ड को बोलते हैं कि जो एक ऑब्जेक्ट पढ़ा है ना वो टेबल है, किसी भी बच्चे को बोलते हैं द सर्टेन ऑब्जेक्ट इज टेबल, तो वो चाइल्ड सोचता है कि हाँ ये टेबल ही है क्योंकि इसकी जो शेप है ना वो 3D में है, उसका स्पेस ऐसा ऐसा है, तो वो क्या है टेबल है। तो उसने उसको दिखा दिया पहले कहीं कि इसकी शेप ऐसी है तो वो टेबल ही कहलाएगा, तो उसको बोलते हैं प्रायर नॉलेज। उसने क्या किया, अपना एक्सपीरियंस नहीं लगाया, ऑब्जर्व नहीं किया, उसको आपने बोल दिया कि वो टेबल है तो उसने मान लिया हाँ वो टेबल ही है, तो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपीरियंस, इसको बोलते हैं हम प्रायर नॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट आपकी आती है पोस्टीरियर नॉलेज। लिटरली मीन्स फ्रॉम व्हाट कम्स लेटर और फ्रॉम व्हाट कम्स आफ्टर। प्रायर जो आपको पहले से पता होती है, पोस्टीरियो जो आपको बाद में पता चलती है एक्सपीरियंस गेन करने के थ्रू। अपोजिट हैं ये दोनों एक दूसरे से। कैसे, मान लो जैसे आपने
फिजिक्स के चैप्टर्स पढ़े, केमिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़े, बायोलॉजी में कोई एक्सपेरिमेंट किया या फिजिक्स में किया, तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब आपको सॉल्यूशंस मिलते हैं उसके थ्रू आपको नॉलेज गेन होता है, तो उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर नॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट आपकी एनकोडेड है, जो आपकी सिंबल्स की फॉर्म में होती है, जिनको आप सिंबल्स के थ्रू, कोड्स के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, उसे बोलते हैं हम एनकोडेड नॉलेज। ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं या फिर कोई साइंस होते हैं, उसको हम बोलते हैं एनकोडेड नॉलेज। नेक्स्ट आपका एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट नॉलेज जो होती है आपकी एक्सप्रेसिव नॉलेज होती है। दिस टाइप ऑफ नॉलेज कैन बी इजिली एक्सप्रेस कर सकते हो आप, ऑर्गेनाइज कर सकते हो, लाइक एनसाइक्लोपीडिया होता है जैसे आपका, तो उसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट नॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट आपके आते हैं प्रोसीजरल नॉलेज। प्रोसीजरल नॉलेज मीन्स नोइंग हाउ टू डू समथिंग, ये पता होना कि आपको ये काम कैसे करना है, उसको बोलते हैं हम प्रोसीजरल नॉलेज। इसमें मोर सेंसेस आपके यूज़ होते हैं एज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, जब आप गेन करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो आप अपनी थिंकिंग को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, अपने सेंसेस को यूज़ करते हैं कि कैसे ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी, तो इसको बोलते हैं हम प्रोसीजरल नॉलेज। नेक्स्ट आपकी है प्रोपोजिशनल नॉलेज, जो आप एक नेचुरल एंड फॉर्मल लैंग्वेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रोपोजिशनल। प्रोपोजिशनल जो आपकी लॉजिक से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड होती हैं, उसको बोलते हैं हम प्रोपोजिशनल नॉलेज। साइंटिफिक नॉलेज भी होती है एक आपकी, जो आपको ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू मिलती है, उसे हम साइंटिफिक नॉलेज बोलते हैं। एक आपकी रैशनल नॉलेज भी होती है, जो आपको रीजनिंग के थ्रू मिलती है, उसे हम रैशनल नॉलेज भी बोलते हैं। टेस्ट नॉलेज होती है जो डिफ़िकल्ट होता है, जिनको एक्सप्लेन करना, जैसे कि सॉल्विंग पजल्स, पजल्स आप सॉल्व करते हो ना, समटाइम डिफिकल्ट हो जाता है, उसको एक्सप्लेन कैसे करें, ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं टैसिट नॉलेज। मेटा नॉलेज होती है आपकी नॉलेज अबाउट नॉलेज, ठीक है, जैसे होता है ना कि एक नॉलेज आपको पता है, तो उसको और एनहेंस करने के लिए और गेन करने के लिए आप बुक्स की स्टडी करते हो, या बिब्लियोग्राफी पढ़ते हो, किसी आर्टिकल्स को पढ़ते हो, ठीक है, लिटरेचर रिव्यू करते हो, तो इसे बोलते हैं मेटा नॉलेज। ठीक है, लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे इज सोर्सेज ऑफ नॉलेज। सोर्सेज यू कैन से कि आप कहाँ से नॉलेज को एक्वायर कर सकते हो, किस किस बेसिस के थ्रू या किस किस सोर्सेज के थ्रू आप जो है नॉलेज को गेन करती हो। बहुत सिंपल है, बुक्स से रिलेटेड, जब आप कोई बुक्स पढ़ने लगते हो आपको नॉलेज मिलता है ना, कोई चैप्टर आपने पढ़ा या एक नॉवल ही पढ़ लिया, ठीक है, एक नॉवल पढ़ा आपने, पूरा पढ़ लिया, आपको स्टोरी का मीनिंग पता चल जाता है कि स्टोरी में क्या लिखा हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉलेज मिली आपको किसी चीज़ की, तो बुक्स के थ्रू आपको नॉलेज मिलता है। बिलीव्स होती हैं, मतलब एक पर्सनल कन्विक्शन होता है आपका, एक फेथ होता है कि हाँ, जैसे होता है ना गॉड में बिलीफ रखते हो आप कि उन्होंने ऐसा किया था, जैसे रामायण हो गया, रामायण आपने पढ़ी, एक बिलीफ है, पर्सनल कन्विक्शन है कि हाँ रामायण में ऐसा हुआ था, राम ने ऐसा किया था, तो ये क्या है, एक बिलीव्स के थ्रू आपको नॉलेज मिलती है। सेंस एक्सपीरियंसेस के थ्रू भी होती है, सेंसेस आपकी, जैसे कि टेस्ट करके आपको पता चलता है कि ये फूड अच्छा है या ये फूड अच्छा नहीं बना है, या फिर आप देख के बताते हो ये प्रोडक्ट क्या है, या फिर ये जो सब ऑब्जेक्ट रखा है वो टेबल है, चेयर है, सो थ्रू सेंसेस भी आपको क्या मिलती है, नॉलेज मिलती है। ठीक है, सुन के आपको पता चलता है कि कार आ रही है या फिर कोई व्हीकल आ रहा है, तो कोई बुला रहा है, तो एक सब क्या है आपकी सेंसेस के थ्रू आपको नॉलेज मिलता है। नेक्स्ट है नॉलेज थ्रू टेनेसिटी, मतलब साइकोलॉजिकली फोर्स द पीपल टू एक्सेप्ट इट। ऐसा एक नॉलेज होता है जो साइकोलॉजिकली फोर्स करता है उस पर्सन को उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए कि हाँ ये हुआ था, ठीक है ना, मतलब अपना कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाते, दूसरे पर्सन ने उन्हें कुछ बताया तो वो साइकोलॉजिकली उनको ऐसा बता देते हैं कि वहाँ एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ इसने बोला है तो वो सही ही बोला होगा, ठीक है ना। फिर एक्सपीरियंस के थ्रू आप गेन करते हैं नॉलेज, कुछ आपने एक्सपीरियंस किया, बैड एक्सपीरियंस होते हैं, किसी के गुड एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो उसके थ्रू भी आपको क्या मिलती है, नॉलेज मिलती है। जैसे मान लो आपने एग्ज़ाम दिया, आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, तो आप एक्सपीरियंस हो गया आपको कि मुझे आगे से अच्छा और पढ़ना है, ताकि जो मेरा अगला एग्ज़ाम हो वो बहुत अच्छा हो, तो मतलब आपने उससे सीखा ना कुछ। जब आप किसी पे एक्सपीरियंस से सीख जाते हैं, एक्सपीरियंस के थ्रू आपको नॉलेज गेन हो जाती है, ठीक है। इंट्यूशन मिलता है, समटाइम आपको अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ इसका ना ये सिचुएशन है तो ऐसा होना चाहिए था या वैसा होना चाहिए था, उसको बोलते हैं हम इंट्यूशन के थ्रू। ट्रेडिशन के थ्रू भी आपको नॉलेज मिलता है, जैसे आपके कोई दादा आपको पहले से कोई मान लो ट्रेडिशन चला आ रहा है कि हमारे यहाँ ऐसे होता था, ये सब चलता था,
तो उसके थ्रू भी आपको नॉलेज मिलता है जो जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होता रहता है। ठीक है, मैथड्स हम कल करेंगे, तो आज के टॉपिक्स इतने ही हैं। आई होप आपको अच्छे से सारे टॉपिक्स समझ आ गए हों। आज हमने डिस्कस करा है नॉलेज, इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज, नेचर ऑफ नॉलेज, काइंड्स एंड सोर्सेज ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको कोई भी डाउट ना हो, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो कल या परसों हम फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर देंगे, आफ्टर दैट हम फर्दर जो भी काम होगा उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, हैव अ गुड डे। अगर चैनल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि जो भी न्यू नोटिफिकेशन हो आपको टाइमली मिलती रहे। ठीक है, हैव अ गुड डे।